कोसी कला के गांव फालेंड में तप पर सोनू पंडा बैठ गया। हम आपको बता दें कि होली वाली रात में जहां होलिका दहन होता है उससे सोनू पंडा जलती होली से निकलता है। कोसी कला के फालेन में होली के धधकते अंगारों के मध्य निकलने वाला मोनू पंडा दूसरी बार इस हैरतअंगेज कारनामे को दिखाएगा। विधिवत रूप से पूजा अर्चना के बाद गांव में मेले की तैयारियां जोर शोर से शुरू कर दी गई हैं। इस मौके पर जमकर होली गायन भी हुआ, ग्रामीणों ने जमकर नृत्य किया। गांव के मध्य में स्थित प्रहलाद जी मंदिर पर प्रातः मोनू पंडा ने सैकड़ों ग्रामीणों के साथ वहां पूजा अर्चना कर गांव की परिक्रमा की। इस दौरान मोनू ने नियम संयम से भी रहना शुरू कर दिया। मोनू की ये पूजा लगातार एक महीने तक चलेगी। मंदिर पर आयोजित कार्यक्रम में ग्रामीणों ने ढोल नगाड़ों के साथ होली के रसिया धमान गायन और पारंपरिक गीतों का गायन किया, जिस पर ग्रामीणों ने नृत्य किया। मोनू पंडा द्वारा घोषणा करने के साथ ही पंडित द्वारा पूजा कराई गई और परिक्रमा के लिए रवाना किया। बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने परिक्रमा में भाग लिया। जगह जगह लोगों ने पंडा का स्वागत किया। पूरे गाँव का भ्रमण करते हुए पंडा ग्रामीणों के साथ प्रहलाद जी के मंदिर पर पहुंचा, जहां उन्होंने एक माह के कठोर तपस्या का प्रण लिया और घरवार त्याग कर मंदिर सेवा को ही ये बनाया है। लोकेश गर्ग, मथुरा, समाचार 24। हाँ जी बताएं, जो आज प्रहलाद जी जो बैठे हैं जो हवन पर, जो अपने एक महीने के लिए बैठते हैं, उसकी क्या परंपरा है? ये जो है सभी जगह देखा होगा हिंदुस्तान के अंदर बसंत पंचमी को होलिका की स्थापना होती है, लेकिन हमारे यहाँ माघ शुक्ला पूर्णिमा को स्थापना की जाती है होलिका की, और उस दिन से पंडा जी व्रत लेते हैं, संयम लेते हैं, एक तरह का संकल्प लेते हैं, यानी कि मैं कहीं घर से बाहर नहीं जाऊंगा, यहाँ से मंदिर से बाहर नहीं जाऊंगा, यानी जो सीमा है हमारे मंदिर की या गांव की सीमा के बाहर नहीं जाएगा, संयम नियम का पालन करेगा, घर नहीं जाएगा, अपने आप ही भोजन करेगा, बनाएगा, खाएगा, किसी प्रकार की अशुभ भाषा नहीं बोलेगा, सत्य भाषण करेगा, और जो है होलिका की स्थापना इसलिए की जाती है, और फिर महीना के बाद में होली के दिन पंडा जी अग्नि में। हाँ जी पंडा जी बताएं, जो आज आप तब व्रत पर बैठे हैं जो होली में निकलने के लिए, वो कब से बैठ रहे हैं? जी हमको बसंत पंचमी से 10 दिन पहले, और वे एक महीना सवा महीने के लिए बैठते हैं, और सवा महीने का संकल्प जो व्रत होता है उसको पूरा करते हैं, उसके बाद में जो ईश्वर की कृपा होती है वो होती है। आप कब से निकल रहे हैं होली? बरकी साल भी निकला था और अब इस साल भी। तो आपके परिवार से कितने ये परंपरा कब से चली आ रही है आपके परिवार से? करीब करीब 1000 वर्ष से। अच्छा, इस गांव की जो परंपरा है वो कब से चली आ रही है? इस पंडित होली के दहन के में से जो निकलते हैं वो कब से चली आ रही है? ये परंपरा तो साहब 52 वर्ष से चली आ रही है, पर लेकिन मतलब जो परंपरा यहाँ जो स्थापित है वो हमारे यहाँ शायद 1200 वर्ष से चली आ रही है। अच्छा, तो आप मतलब जो इस पर बैठते हैं, तप वन पर बैठते हैं, तो इसमें क्या क्या आपको जो करना पड़ता है? 40 दिन तक।